वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई 2020 से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में बेरी जर्मन का निधन हो गया। बेरी जर्मन किस देश के क्रिकेटर थे? तो बेरी जर्मन जो थे वो टेस्ट क्रिकेटर थे, टेस्ट मैच के एंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बात ऑस्ट्रेलिया की आई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा यहाँ की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन जो है प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। भारत से एक स्थान आगे, भारत का स्थान 7वां है और ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा ये देश है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। सभी पॉइंट्स जो भी मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री MHRD मिनिस्टर ने छात्रों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में रमेश निशांक पोखरियाल ने मनो दर्पण नाम की पहल का शुभारंभ किया है, जिसके तहत बच्चों के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनको ठीक करने के लिए मनो दर्पण नाम की पहल का शुभारंभ किया है, ठीक है ना। जिससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर जो भी खराब असर पड़ा है इस कोविड-19 के कारण या इसके बाद में, उससे बचने के उपाय, उसके लिए ये मनोदर्पण पहल शुरू की है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना स्टूडेंट्स के लिए है मनोदर्पण योजना। अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो रमेश निशांक पोखरियाल है, जिनको अगर पूछ लिया जाए कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है तो एजुकेशन मिनिस्टर भी यही होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है ना। तो कौन है? रमेश निशांक पोखरियाल। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जुलाई मंथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया? तो लालजी टंडन काफी समय से बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी और अभी उनका निधन हो गया है। वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अभी जो है उनके निधन से पहले जब वो बीमार थे तो भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो आनंदी बेन पटेल थी उनको एमपी का एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया था राज्यपाल का, ठीक है ना। तो एमपी के राज्यपाल पूछ लिया जाए तो अभी कौन है? अभी आनंदी बेन पटेल है, उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है ना। तो लालजी टंडन के बारे में आपको बता देता हूँ। लालजी टंडन 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो 2 बार विधान परिषद के मेंबर रहे थे। 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2018 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया था लालजी टंडन को एंड 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था लालजी टंडन को, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में युवा मामला और खेल मंत्रालय ने युवा में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, यूनिसेफ के साथ समझौता किया। खेल मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। तो युवा और खेल मंत्री है प्रेजेंट टाइम में किरण रिजिजू, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। किरण रिजिजू किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। यह भी आपको याद रखना। अब समझौता यूनिसेफ के साथ क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? तो हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यूएनओ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। ओके, चलिए अब बात करें नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की। नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जॉन लुइस का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के थे? तो जॉन लुइस, ये नागरिक अधिकारों के लिए काफी ज्यादा इन्होंने संघर्ष किया है। ये किस देश के थे? अमेरिका के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। जॉन लुइस की फोटो आप लोग ये देख सकते हैं, अमेरिका के थे ये एंड मानव अधिकारों के लिए इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किए और इनका हाल ही में निधन हो गया जॉन लुइस का। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करें 6ठा क्वेश्चन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रवीण सिद्धार्थ को पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। इससे पहले कौन थे, तो विक्रम सिंह जो थे वो इनसे पहले थे। ये जो है आईआरएस बैच के अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है। आईआरएस बैच के 2001 के ये अधिकारी हैं प्रवीण सिद्धार्थ, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, ये किस राज्य से हैं, तो बिहार से संबंधित है। ये कौन से टर्म के राष्ट्रपति है, तो 14वें राष्ट्रपति है भारत के, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखने हैं। कौन से हैं, 14वें राष्ट्रपति है भारत के। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर रहे हैं 7वें क्वेश्चन की। 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी कौन करेगा, तो इंडिया आइडिया समिट जो है 45वां इसका समिट है, उसकी मेजबानी करेगा भारतीय व्यापार परिषद, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। भारतीय व्यापार परिषद जो है वो इसकी मेजबानी करेगा, इंडिया आइडिया समिट। इस समिट को फ्रेंड्स जो है भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी इसमें हिस्सा लेंगे, इसको संबोधित करेंगे, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट समिट आपको याद रखना। भारतीय व्यापार परिषद का मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है भारतीय व्यापार परिषद का, ठीक है ना, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर रहे हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है, तो एसबीआई कार्ड्स का नया एमडी एंड सीईओ, एमडी क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो एमडी एंड सीईओ बनाए हैं अश्विनी कुमार तिवारी को, ठीक है ना, ये आप लोग अश्विनी कुमार तिवारी की फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, यही है अश्विनी कुमार तिवारी जिन्हें अभी एसबीआई कार्ड्स का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। एसबीआई की बात है तो SBI की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। अभी अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार जो है इसके अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, एंड प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को एसबीआई डे भी मनाया जाता है, ठीक है ना, तो वो भी आपको याद रखना। इसके अलावा 1 जुलाई को और कौन सा डे मनाया जाता है, तो डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा जीएसटी डे जो होता है वो भी 1 जुलाई को ही मनाते हैं। अश्विनी कुमार तिवारी का जी का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का कार्यकाल होगा इनका, एंड इनका कार्यकाल अभी अगस्त से शुरू होगा, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। सभी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट। इनसे पहले कौन थे, तो हरदयाल प्रसाद थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एंड अभी बनेंगे अश्विनी कुमार तिवारी। ओके, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात कर रहे हैं 9th क्वेश्चन की। कहां पर भारत की पहली सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है, तो भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग, ईवी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, तो ये किया गया है, उसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। पहला भारत का सार्वजनिक है दिल्ली में ईवी चार्जिंग प्लाजा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं उनको चार्जिंग एंड उनको अदर फैसिलिटीज देने के लिए ये चार्जिंग प्लाजा बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो अब इनका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो आर.के. सिंह है, इन्होंने उद्घाटन किया, ठीक है ना, तो ये आपको ये नाम याद रखना। आर.के. सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर एंड आज का नया सवाल पूछ रहा हूं। कल मैंने क्वेश्चन कौन सा पूछा था, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ, तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। ये ऑनलाइन टीचर्स को ये ट्रेनिंग देगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स को अच्छे तरह से पढ़ाना है, तो ये है निष्ठा कार्यक्रम जो कि ऑनलाइन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है पहला, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। आज का क्वेश्चन कौन सा है, किस राज्य ने नवीन रोजगार छत्री योजना की शुरुआत की है। रोजगार से संबंधित है, जो भी अनुसूचित जाति से संबंधित लोग हैं उनको रोजगार देने की योजना है नवीन रोजगार छत्री योजना। कल के वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, वो वीडियो जरूर देखना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करना है बेल आइकन को, एंड आपको हर रोज यहाँ पर नया अपडेट्स मिलता रहेगा। क्विज एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।